हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिवाली क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। और आज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से क्वेश्चंस देख रहे हो, आपको लगभग सभी तरह से क्वेश्चंस इंपोर्टेंट जो हमें लगे वो आपको बता दिए गए हैं। आज जो हम बात करने वाले स्टूडेंट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। दैट मींस हम लोग जो बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, जो बोर्ड में पूछे गए बोर्ड क्वेश्चंस में पूछे गए, और उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपोर्टेंट पार्ट्स की क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आइए उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे नए न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप सभी क्वेश्चन को देख रहे होंगे और 2006 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग सभी देख ही रहे होंगे। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड भी कर लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा। तो अल्फा आपको पॉइंट की दी है एंड मूविंग ए मीटर। तो ए मीटर चलने पर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ चलेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा। तो कितना एंगल हो जाता है, बीटा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, तो आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है कि h इक्वल्स टू कितना है, a tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपको सर प्रूफ करके लाना है क्वेश्चन में, सीबीएसई 2006 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके फिगर की बात कर लेते हैं, कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या लिखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, देखिए समझिए ध्यान से, सबसे पहले कितना डिग्री है आपको, अल्फा डिग्री है। कितना डिग्री है, अल्फा। उसने कहा जब आप टावर के पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट मींस ए मीटर टुवर्ड द टावर, टावर की तरफ जब चलते हैं कितना चलेंगे, ए मीटर चलते हैं, तो वो कितना हो जाता है एंगल स्टूडेंट, बीटा हो जाता है। इसकी हाइट को हम कितना लैग कर लेंगे, एच कर लिया हमने, हाइट को कितना लैग कर लिया हमने, एच कर लिया। ये है इसका टो, बात को समझिएगा, ये क्या है इसका टो, ठीक है, ये इसका फुट हो जाएगा। चलिए तो ये हमारी इतनी बात हुई, और एच इक्वल टू आपको जो लाना है लाना टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। चलिए हम इसको नेम दे देते हैं, इसको ए दिया, इसको पी दिया, इसको बी दिया, और इस पॉइंट को हमने क्या दे दिया स्टूडेंट, क्यू दे दिया। यहां तक बात सबक सभी के समझ में आ चुकी होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम लोग सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए देखिए। हाइट हमने एच लैड करिए, सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू होता है। देखिए यह आपको टीपीटी है, यहां पर आपको क्या दिखे, टीपीटी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन लैग द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, कितना जाएगा एच मीटर, हमने इसका लैग कर दिया, क्या हाइट हमने कितनी लैग कर ली स्टूडेंट, इसकी एच मीटर कर ली। अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत आराम से इसका फिगर बना सकते, डायग्राम बना सकते हैं। और फिगर बनाने के बाद अगर आपको एंगल देखने आते हैं, आपको टैन अल्फा या कोण बीटा के सबके फॉर्मूलाज याद है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सब सोच रहे होंगे सर हम यहां से एपी बी निकालेंगे एंगल, बिल्कुल सही बात है, ट्राइंगल क्या ले लीजिएगा, एपी बी ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको नहीं होने वाली है। तो आइए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एपीबी, ठीक है बात समझते हैं ना। तो एपीबी में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टैन अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, एबी अपॉन सर ये आ जाएगा हमारा पीबी। सर टेन अल्फा इक्वल टू ए बी है हमारा कितना, एच है सर, ए बी कितना है सर, एच है सर। पी बी जो है ना वो ऐसे हुआ हमारा कि पी क्यू और प्लस में क्यू बी, बिल्कुल यही है, देख लीजिएगा पी क्यू और प्लस में क्यू बी। सर टेन अल्फा तो ठीक था सर, यहां से एच भी ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए और क्यू बी को हमने कुछ माना नहीं है, तो क्यू बी को क्यू बी रहने, या एक्स भी आप लेट करते हैं, आपकी अब मर्जी है, देख लीजिए अब आपकी क्या है मर्जी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइए यहां से आप लोग क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू, क्योंकि आपको तो एच की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे सर एच हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं क्यू बी, तो इनको बाद में इक्वल रख देंगे, तो ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू
h अपॉन tan, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, वन बन गई। बात समझ में यहां तक सभी की आ गई क्या, बताइए क्या हो जाएगा, क्यों बताइए। अच्छा ये कह रही है कि अगर सर हम लोग यहां से क्यूबी की वैल्यू निकाले तो बिल्कुल निकाल लीजिए, चलिए क्यूबी की निकाले भाई, बाद में काम करना पड़ता है ना, तो क्यूबी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एच अपॉन आ जाएगा टेन अल्फा माइनस ए। आप ठीक है, अब कर लिया, क्या बात है, जबरदस्त बैंडन, बहुत बढ़िया। तो क्यूबी की हमने वैल्यू निकाली एच अपॉन टेन अल्फा माइनस का ए। अब जो हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब आप यहां से करेंगे सर बीटा ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा यहां से सर बीटा लेना है, और बीटा कैसे लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू सर टेन अल्फा, ठीक है सर, तो आ जाएगा कितना सर आएगा टेन बीटा इक्वल्स टू बी ए, यानी दैट मीन्स ए बी अपॉन क्यू बी, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के, यस सर बात तो समझ में आ गई हमारे, यहां तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए अगर यहां तक किसी को कुछ पूछ रहा हो तो वो पूछ सकता है। अब टेन बीटा आ गया, ए बी अपॉन कितना आ गया आपका क्यू बी, तो स्टूडेंट्स अगर आप ऊपर देखें तो यहां क्यू बी लिखा है, यहां भी क्यू बी लिखा है, आपके माइंड में आ रही होगी सर यहां एक काम कर दीजिए, क्यू बी को तो पहचान दीजिए यहां पर सर, ए बी की वैल्यू एच हो गई, और टेन बीटा को सर यहां ले आइए इक्वेशन नंबर टू। बताइए क्या कर सकते हैं आपके सभी के माइंड में चला होगा सर, दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख दीजिए, बिल्कुल बढ़िया रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या जाएगा, तो आप लिखेंगे h अपॉन tan अल्फा माइनस a इक्वल्स टू h अपॉन tan बीटा। बात समझ में आ गई सभी के, यस सर नो, बात समझ में सभी के आ गई, यस सर बात तो हमारे समझ में आ चुकी है। अब क्या कर सकते हैं सर यहां से, बताइए इसमें सर अब क्या करें सर, अब यहां करना क्या है, आप एक काम कर लीजिएगा कि एच एच वालों को एक तरफ कर लीजिए, बहुत बढ़िया शाबाश, एच एच वालों को एक तरफ, यानी एच अपॉन टेन अल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा इक्वल्स टू ए, इक्वल टू में क्या जाएगा ए। अब क्या लिखेंगे सर, हमको तो एच की वैल्यू चाहिए, पर तो एच की वैल्यू चाहिए, एच को लिया कॉमन, बात समझते हो ना, तो कितना आ जाएगा सर, यहां से टेन बीटा, यहां से टेन अल्फा, अपॉन में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू में ए। अच्छा यहां पर जो है ये हाँ है तो सही, हमने क्यू बी की वैल्यू निकाली ना, ए यहां माइनस, तो आंसर में कहीं प्लस तो नहीं आ रहा, नहीं नहीं प्लस तो नहीं आ रहा, बिल्कुल भाई प्लस तो नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे भाई टेन बीटा इधर आगे नहीं हो जाएगा क्या, प्लस, यस ठीक है माइनस ही होगा ना सर, ये यहां आके प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, बिल्कुल सर बिल्कुल, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन अल्फा टेन बीटा, सर एच की वैल्यू चाहिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये आपका क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, मैं फिर बता दूं जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई हो, बोर्ड हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड के हो, तो केस स्टडी भी हाइट एंड डिस्टेंस के आपकी बार यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए यहां से इसलिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को आराम से रीड करिएगा, एक एक जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन की वन वन लाइन पढ़ करके उसका सबसे पहला काम होगा डायग्राम बनाना, क्योंकि आप लोग अगर डायग्राम बना देते हैं तो आपका वन मार्क्स कंफर्म हो जाता है, अगर आप लोग इसको बना लेते हैं, बात समझ में आ रही है सभी के, कोई प्रॉब्लम यहां पर, तो पहला काम क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, तो पहला काम क्या था, और बिल्कुल सही कह रहे हो, पहला काम तो यही है कि इसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद में उसके जो भी चीजें गिवन है उनको उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना, तो यही पर क्वेश्चन वन क्या होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे क्या। तो 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर टू भी आगे देख लेते हैं, इसी हिसाब का कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो होगा हम उसकी बात करें। चलिए देखिए, जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग बड़े स्ट्रांग वाले क्वेश्चन करेंगे, और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी आइए बात करते हैं हम लोग।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, क्या दीजिए हमको कैसे क्या पूछा गया है वो देखेंगे। आइए नोट कर लिया होगा, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा सभी ने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए। ट्रायंगल हमने ए पी भी लिया, टैन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी हुआ, तो पी क्यू प्लस में क्यू बी हुआ, यहां से टैन अल्फा की वैल्यू एच अपॉन ए क्यू बी हो गई, ए प्लस क्यू बी की वैल्यू एच अपॉन टैन अल्फा हो गई, क्यू बी की वैल्यू ए ना जाकर क्या हो गया माइनस, दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर कैलकुलेशन कर दी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर टू आइए, तो क्वेश्चन नंबर टू हम लोग करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे ही क्वेश्चन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का एक सीक्वेंस से दे सके आपको। हाइट एंड डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम मार्क्स की वैसे ही है यहाँ पर, तो 4 to 6 मार्क्स यानी केस स्टडी की आप लोगों की बन सकती है। आप लोग प्री बोर्ड दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन वहां से भी मिल रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ जा उसको, तो क्वेश्चन आप कभी बोर्ड पर देख ही रहे होंगे और क्वेश्चन हम लगा देते हैं, देख लीजिएगा सभी ध्यान से एक बार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर टू आप लोग सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद में एक बार आपको दोबारा से हम कोशिश करेंगे समझाने की क्या लिखा है। टॉप से कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है टॉप से, ठीक है। चलिए ये हमने पहले से ट्राइंगल ही बना दिया, टॉप कहां है ये टॉप हो गया इसका। टॉप से कह रहा है टावर 2 points ऑफ द डिस्टेंस और 4 meter एंड 9 meter, तो देखिए इससे कितना मीटर चलना है आपको, 4 meter चलना है। कितना मीटर चलना है तो कहेंगे सर 4 meter चलना है एंड 9 meter फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो कितना दिया टोटल आपको सर, 9 meter कह रहा है बेस ऑफ द टावर से एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कह रहा है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा है। देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी इक्वल 90 degree, तो टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90। अगर ये थीटा है तो सेकंड वाला कितना होगा सर, सेकंड तो 90 माइनस थीटा होगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 meter, क्या प्रूफ करना है पीपीटी, क्या करना है आपको कि जो हाइट है वो कितनी है 6 meter है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में ही पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, फिगर सभी ने बना लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट, नेम डाल दीजिएगा। चलिए तो ए बी सी आर डी, ये हमने क्या डाल दिया यहां पर, डी में नाम डाल दिए, बात समझ गए किसे किसे कर लिया। आई हैव ऑलरेडी डन, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आप लोग बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कर रही है इस तरीके। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, रूही बताइए, रूही बताइए, यस वेरी गुड, हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या रूही ने बताया कि सर आप सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए बी सी हम लेंगे यहां पर, देखें इन ट्रायंगल इसकी हाइट को लेट भी कर लेंगे, एच डी भी नहीं क्या बुक में, नहीं डी बी तो नहीं है तो लिख लीजिएगा, तो हम हाइट कितनी लेट कर लेंगे, तो लिख लीजिएगा लेट द हाइट ऑफ द टावर एच मीटर, एच मीटर इन ट्राइंगल ए बी सी, जिनको नहीं आता वो देखो ध्यान से, तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ए सी अपॉन सी डी होगा सर, टेन 90 माइनस थीटा सर कॉट थीटा होता है, ए सी की वैल्यू है सर 4 हो जाएगा। बात यहां तक सभी सभी क्लियर हो गई होगी, कितना आ गया एच अपॉन कितना आ गया 4 आ जाएगा, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई सभी के, इक्वेशन नंबर हमारी कितनी है फर्स्ट हो गई है। अब सर क्या करेंगे सर, पूरा ट्राइंगल ले लीजिएगा, पूरा कैसे लेंगे सर, इन ट्राइंगल ए बी सी, कहां से ट्राइंगल आ गया ए बी सी, तो ए बी सी में क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू वन, टेन थीटा होगा
और h अपॉन 9। अब इसको सुनो, पहले लिखने का तरीका ac अपॉन bc। देखिए क्वेश्चन सभी कर लेते स्टूडेंट, कोशिश हमको ये करना है जो एग्जामिनर है ना वो हमारे क्वेश्चन में फंस जाए, रम जाए, कहीं भी नंबर काट दे तो उसको चांस ही ना मिले, पूरे मार्क्स दे। तो क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में करना है, ac अपॉन bc, ac अपॉन bc। अब देखिए यहां ये तो tan थीटा इक्वल्स टू ac हमारा h है सर, bc हमारा 9 है, बिल्कुल सर है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर क्या, सॉरी खांसी बहुत आ रही भाई, मौसम चेंज हो रहा है, आपकी पढ़ाने में ऑटोमेटिक वो होता है। कितना है h अपॉन 9 हो गया। अब क्या करें सर, अब क्या करें बताइए, कौन बताएगा भाई? बहुत मन से यार, इतनी दूर दूर से आप लोग पढ़ रहे हो, बड़ा मतलब अच्छा लगता है पढ़ाने, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कह रहे हैं कि इनके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आ जाइएगा, देखिए ठीक है। तो क्या लिखेंगे सर, cot थीटा इंटू सर tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9 हो जाएगा सर। सबको पता सर, जो cot थीटा है ना वो tan का ही तो अपोजिट होता है, तो cot को आप क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा, और यहां पर tan थीटा तो रहने दीजिएगा, तो tan से ही तो tan कैंसिल होगा 1 टाइम, और h अपॉन h स्क्वायर 9 4 36, तो h स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू 36 दैट मींस रूट 6 इनटू 6 हो जाएगा, और h इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया सर आंसर, और यही क्या लाना था आपको आंसर, और प्रूफ हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां का कंप्लीट होता है। चलिए ये तो बात क्वेश्चन नंबर 2 की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आगे प्रूफ वाले क्वेश्चन देख के बच्चे क्वेश्चन को मिस कर देते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लेंगे इसी का थर्ड पार्ट, लेंगे थर्ड क्वेश्चन को हम लेंगे अपने इसी सीरीज में। तो जल्दी से एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया था, जिनसे नहीं हुआ था, जिनको प्रॉब्लम थी क्वेश्चन को करने में, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन को पूछ ले, एक बार दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था और आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और उसको करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्या गिवन है आइए देख लीजिएगा। चलिए प्ले योर स्क्रीनशॉट सभी ने, ठीक आइए देख लीजिएगा, चलते इसको रफ करते हैं यहां से। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, बाकी जिन्होंने कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, सम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इस वीडियो में अभी तक कंप्लीट हुए हैं, बाकी जो बच्चे कर रहे हैं वो करते रहो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बच्चों को, दूसरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आप लोग बड़े शांति से अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसके लिए तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, वरना आपका शांति से बैठने वाले हैं, ऐसी भैया करते रहो तो और बच्चों का भी फायदा बढ़ाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं, और क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर है 3, तो 3 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ध्यान से सुनना, टू पोल्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑन द ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ है, विच इज 80 मीटर वाइड, उनके बीच की जो वेथ है या जो कह दो कि जो दूरी है कितनी है, 80 मीटर वाइड है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द एंड ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हम इसलिए बता रहे हैं, बोर्ड में पूछा भी गया है, 2017 में आया था ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए करवा रहे कि दोनों के बीच के डिस्टेंस भी पूछ ली गई है और दोनों की हाइट भी पूछ ली गई है, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना ज्यादा जरूरी है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पर लगा दिया गया है, ध्यान से समझ लीजिए, क्या कहा, टू पोल्स है और दोनों की इक्वल हाइट है, क्या है सर, इक्वल हाइट बताया, ये हो गए जी इक्वल हाइट दोनों की। चलिए एक कह रहा है 60 डिग्री का एंगल है,
कितने डिग्री का है? 60 का, और एक कितना कह रहा है सर? 30 डिग्री है। बात समझ आ रही सभी के? यस सर, बात को समझ आ रही। टोटल दोनों के बीच की जो वाइड है कितनी है? 80 मीटर है सर। कितनी है? 80 मीटर। बात समझते हैं सर? 80 मीटर हो गई। 80 मीटर के बाद में वो कह रहा है कि दोनों के हाइट तो सेम रहेगी, तो अगर ये एच है मीटर तो ये भी कितनी होगी सर? ये भी एच मीटर होगी भाई, ये तो कंफर्म सी बात हो गई। पूछा क्या क्या गया है सर? एक तो हाइट पूछी गई है और सर दोनों के बीच की डिस्टेंस, हाइट क्वेश्चन मार्क है और डिस्टेंस। चलिए कोई बात नहीं, डिस्टेंस तो हम बता ही देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक, और चलिए बाकी हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं इशू। चलिए अगर हम इसको x लैग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कितना होगा सर? ये तो 80 माइनस x होगा, बिल्कुल सर होगा, मीटर में है। और ये भी किस में आएगा? मीटर में। बात समझना, टोटल 80 मीटर था, अगर मैंने इसको लैग किया तो ये कितना होगा? 80 माइनस x होगा। ये h मीटर है, ये भी h मीटर है, क्योंकि बुक में वाला कह रहा है इसलिए है, हम कुछ भी नहीं कह रहे। ये वाला पॉइंट p माना, इसको पॉइंट को क्यू माना, इसको क्या माना आर, इसको क्या माना ए, इसको क्या माना बी। कितने ट्राइंगल रेडियस हो गए सर? यहां तो हमारे टू ट्राइंगल्स हो गए स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे क्या है? टू ही ट्राइंगल्स है। चलिए अब देखो करेंगे क्या, हम करने का तरीका देखो। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो टेन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा PQ अपॉन QR, tan 60 की वैल्यू सर रूट 3, PQ की वैल्यू सर H, QR कितना हुआ X। बात समझ में आ गई क्या वैल्यू? ठीक है, अब H की वैल्यू कितनी हो गई? ये तो सर हो गई X रूट 3 मीटर। पर अभी X है यहां पर, इस X को भी हटाना पड़ेगा भाई, H तो पूछा था, तो H तो हमारा X रूट 3 मीटर आया, पर क्या इतना हमारे कंफर्म है? क्या इतना काफी है? पर नहीं, अभी हमको इस x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या लिखेंगे सर? इक्वेशन नंबर डाल दिया जी हमने इसको। ओह माय गॉड, कर लिया, क्या बात है, स्पीड। देखिए यही स्पीड आप लोगों की वहां एग्जाम में चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल सेम, क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट बना के चलेंगे तो क्वेश्चन पेपर को कोशिश करेगा स्टूडेंट्स सभी के लिए है, कम से कम एग्जाम को टाइम ओवर होने से 15 to 20 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करें, जैसे कि दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिचेक कर सके। बहुत मतलब अच्छा बात होती है अगर आप लोग क्वेश्चन को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते, रिचेक करने का टाइम मिल जाता है, एक बार कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपने एग्जाम पेपर दे करके सबमिट कर दिया, बाहर निकल कर ये क्वेश्चन, और आपको मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, बहुत दुख स्टूडेंट होता है। ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे पास भी है जो आज भी एग्जाम्पल है कि वो 100 out of 100 लाने वाले थे, बट क्या करें, उनका क्वेश्चन मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड थे क्वेश्चन पेपर करने के बाद, जब बाहर निकल के आए होंगे सर पूरे कर लिए हमने, अब जब रिजल्ट आता है, जब बाहर आए बोलो, अब आपस में डिस्कशन होता है सर ये तो क्वेश्चन छूट गया, पूछो मैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल स्टूडेंट होता है रो करके। ये उन बच्चों के लिए होता है जो पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बहुत दुख होता है, इसलिए क्वेश्चन को 15 to 20 मिनट पहले, और पहले कर सके तो वो आपके ऊपर है, पर 20 मिनट पहले तो सभी को करना पूरा करना होना चाहिए। समझ रहे बात को? आइए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स हम? सर ले लीजिएगा ए बी आर। कौन सा सर? ए बी आर। क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे यहां पे टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी आर। बात समझ आ गई? यस सर। टेन 30 की वैल्यू सर 1/√3 सर, ए बी की हो गई एच, ये हो गई सर कितनी? 80 माइनस x, वेरी गुड। h की वैल्यू सर निकाल दीजिएगा सर, h की क्या निकाला? बिल्कुल h की निकलेगी 80 माइनस x अपॉन रूट, ये h की वैल्यू, इक्वेशन नंबर क्या हो गई? अब यहां से आपको एक तो h की वैल्यू चाहिए है स्टूडेंट, r किसकी चाहिए है? x की चाहिए है। बात समझ रहे हो ना? किसकी किसकी चाहिए? h की चाहिए और x की। क्या करा फिर आपने ये बताइए, बोलिए क्या करा फिर आपने इसके बाद में क्वेश्चन में? बताइए,
अच्छा नहीं वो तो सही है, पर अपना अपना तरीका है ना। अब देखो इनसे पूछो तो ये कुछ बताएंगे, इनसे पूछो ये कुछ बताएंगे, इनसे पूछो ये कुछ बताएंगे। तो ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किया आप लोग भी ऐसा करेंगे, ठीक है? समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाहूँ। देखो दो तरीके हैं सर, एक बार एच की वैल्यू यहां रख दीजिए या सर एक्स की निकाल के। तो आप लोग जैसा करें, हर टीचर आप लोग 10 बच्चे बैठे मान लीजिए, या ये अगर बात करें ऑनलाइन स्टेप कितने बच्चे हैं ये, अच्छा 8,500 बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब 8,500 बच्चे अभी जो ऑनलाइन है हमारे साथ टीचिंग कर रहे पढ़ रहे हैं, उन्हीं की हेल्प से आप लोगों को वीडियो भी बन पा रहा है, जिनको मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी देख पा रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग भी आज कर ले रहा हूँ तो आप लोगों को पानी फील होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आप पर्टिकुलर बना रहा हूँ, ये सभी के लिए है जो अभी इस टाइम मतलब मैं लैपटॉप में देख पा रहा हूँ, करीब 8,500 बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास में, उनके लिए भी है। तो सबका तरीका अलग अलग होगा। तो आप क्या करेंगे सर, हम क्या करें? तो स्टूडेंट्स आप ये करो कि एच की वैल्यू रख दो, पुट एच इक्वल्स टू एक्स रूट थ्री, पासवर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे सर, एक्स रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। और देखिए आगे को चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे को, चलिएगा तो कितना हो जाएगा सर, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इधर लाइए तो x और 3x कितना हो जाएगा 4x हो गया, इक्वल टू 80, और जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हुई 20, पर अभी डिस्टेंस आई नहीं है, अभी आपको क्या चाहिए एच भी तो चाहिए, चलिए ठीक है अभी x की आई है, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल्स टू 20 रूट 3 मीटर, तो आपकी क्या स्टूडेंट हाइट आ गई। देखिए सबका आंसर ये है, सबका आंसर यही है, यस एंड नो, यही आना चाहिए, ठीक। अब ये तो बात हो गई सर, आपके यहां से डिस्टेंस भी पूछी थी आपने बताया था, यस स्टूडेंट्स क्या पूछी थी, डिस्टेंस भी तो पूछी थी बच्चों ने कहा, तो बिल्कुल पूछी है डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे सर, डिस्टेंस इक्वल्स टू हमने क्या ले किया कितना 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे सर 80 माइनस 20 दैट मीन 60 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 60 मीटर, यानी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है कितनी है वो 60 मीटर। बात समझ में आ गई क्या, यस एंड नो, यस सर। तो यहीं पर ये क्वेश्चन आपका हम कंप्लीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आज आपकी कंप्लीट कराए हमने, नेक्स्ट पार्ट में भी 3 बाकी बच्चे पढ़ते रहेंगे, और इन बच्चों के लिए हमने 3 क्वेश्चन की सीरीज है, नेक्स्ट टाइम फिर 3 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन तो ये मिलते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, इन्हें मत मिस करिएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल का। अगर आप लोग इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो तिवारी क्लास इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है, जहां आप लोगों को इंग्लिश की वीडियो एनसीईआरटी की फुल आपको मिलेंगी, वहां पर जो भी आपकी बुक्स होती है इंग्लिश की, इतना मुझे नहीं पता कौन कौन सी बुक है आप लोगों की, तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पेज से हमारे से जुड़ना चाहते हैं, मैथ्सक्लूसिव8755 पर फॉलो कर सकते हैं, तिवारी मैथ्स क्लासेस का पेज इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज वगैरह भी आप लोग हमें भेज सकते हो प्रॉब्लम हो। इसके साथ साथ टेलीग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, आप उसको भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अपने जो भी क्वेरी हो भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर और भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। आज के इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे भाई देखिए सिलेबस तो सबका कंप्लीट हो गया होगा, अभी सभी के प्रीबोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ के फर्स्ट प्रीबोर्ड चल रहा होगा, कुछ का सेकंड प्रीबोर्ड चल रहा होगा, और प्रैक्टिकल से भी लगभग चल रहे होंगे, तो इनकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने आप को भी कवर करिएगा, अपना सिलेबस भी कवर करिएगा, इस ठंड से लगना है, अपने एग्जाम्स हमको सुरक्षित रूप से देना है। तो गुड बाय टू ऑल, मिलेंगे, बेस्ट विशेस फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन।